गो एड। नहीं, नमस्ते सभी को, सभी डॉक्टर्स को नमस्ते, एंड हमारे दर्शकों को भी नमस्ते। एंड मेरी कल काफी बात अधूरी रह गई, तो इसलिए मैंने हाथ उठाया आज। यू नो, आई थॉट आई डू क्वाइट अ लॉट, थोड़ा उसको ऐड करना चाहती हूँ। डॉक्टर कल बता रहे थे कि हम लोग सुनाओ सिर्फ तो। केमिकल्स ही यूज करते हैं, पर हमारी काफी दवा ऐसी है जो यू नो प्लांट एक्सट्रैक्ट भी होती है, जैसे बेलेडोना है, यू नो आप डिजिटालिस है, डाशुला है, सिंकोना है, स्नेक वेनम है, एंड बोटुलिनियम है। अगर हम है ना टेटनस को बचाना है तो हमारे को बोटुलिनियम एक्सट्रैक्ट चाहिए। मेरी बात खत्म होने दीजिए। एंड हाँ, मैं शुरू से यही कहती हूँ कि मैं किसी स्ट्रीम को ना कंडेम करूंगी ना बड़ा चढ़ा के उठाऊंगी उसको। हर चीज में दोष है और हर चीज में अच्छाई है, इसको मैं मान के चलती हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ना गले में कांटा अटक गया, कुछ खाए, फॉरेन बॉडी, बच्चे कॉइन्स निगल जाते हैं। यू नो, ये बोलते हैं कि ये सब चीज परसेंटेज है, वो 0.001% भी क्यों ना हो, पर वो लाइफ को भी बचाना इम्पोर्टेंट है, ये मैं मान के चलती हूँ। पॉइजनिंग होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, हम लोग इतना एट्रोपिन यूज करते हैं और वो पेशेंट को बचाते हैं। इंट्राकार्डियक एड्रिनलिन दे के कितने दिलों, जो दिल रुक गए उनको फिर से चला दिया, डीसी शॉक करके उन वो हार्ट जो रुक गए उनको भी हमने चला दिया। ब्लड वॉल्यूम पूरा गिर गया, पूरा लॉस हो गया ब्लड, तो हमने ना 100 100 ml की सिरिंजेस लेके एक्चुअली ब्लड अंदर ढकले हुए हैं पेशेंट के बाजू खड़े होके, वो बैग लगा के उसको जाने नहीं दिए, यू नो खींच खींच के ढकले हैं अंदर ताकि वॉल्यूम वापस आए। ये सब चीज जो होती है ये हमारे इसमें बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये रखती है। एंड मैं खुद इंटेग्रेटिव मेडिसिन यूज करती हूँ, एंड मैं अपने पेशेंट्स को हेलिक्सर, हेलोबोरस, विस्कम एल्बम, आर्टिमेसिनिन, BRM4, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो ऑल दीज मेडिसिन, वो आपके आपके ज्ञान के हैं। यू नो BRM4 है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है, एंड देन बॉसवेलिया है, ये सब मैं यूज करती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए। एंड मैं जो विस्कम एल्बम 21X जो यूज करती हूँ, वो होम्योपैथ्स बताते हैं कि हमारे इंडिया में 16X छोड़ के मिलता ही नहीं है, तो मैं उससे भी पोटेंट होम्योपैथी मैं यूज करती हूँ अपने पेशेंट्स पे। तो यू नो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट इसकी जो महत्व है, इम्पॉर्टेंट है, वो उसको आपको मानना है, मान के चलना है। लाइफ बचाने की टाइम है तो यू नो काफी चीज इसमें जरूरत पड़ती भी है। एंड एक्चुअली हमारे को ना बहुत ही ह्यूमिलिटी से पेश आना है। मैं भी 40 इयर्स यू नो पेशेंट की जान हाथ में लेके एनेस्थीशिया दे के खड़ी हुई हूँ। पेश यू नो जब वो चाकू छुरी लगती है तो बाजू खड़ी होके उसकी जान हमारे हाथ में रहती है, सर्जन के हाथ में थोड़ी रहती है जान। यू नो उतना हमने किया है, पर फिर भी मैं हम्बल हूँ। ऐसे नहीं कि यू नो एकदम से हमारी एटीट्यूड अगर अच्छी नहीं है तो वो फ्लैट टायर की जैसी हो जाती, एंड फ्लैट टायर के साथ आप बहुत दूर नहीं जा सकते। यू नो इतना मेरे को बोलना था, थैंक यू।